मूवी स्टार्ट होती है और हमें हैंग दिखाया जाता है। ये एक डिटेक्टिव होता है, एक बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ एक चर्च पर आया हुआ है। ये इन्फ्लुएंशियल आदमी एक आदमी के बारे में हैंग को बता रहा होता है। जिस आदमी के बारे में बात करते हैं, इसका नाम होता है वॉल्टर। वॉल्टर इस चर्च में सब लोगों को शिक्षा देता है। अब प्रॉब्लम यह होता है कि ये जो सब लोग हैं, ये इससे इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। उन्होंने उनकी सब जमीन जायदाद ये सब वॉल्टर के नाम कर दी है। ये जो चर्च का ओनर है, इसे लगता है कि वॉल्टर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। हैंग इस सिचुएशन को हैंडल करे, इसलिए उसने हैंग को बुलवाया होता है। हैंग भी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। अगर कुछ पैसे मिल गए या लैंड मिल गए तो एक काम कर सकता है, ये डायरेक्टली वॉल्टर को जेल में डाल सकता है। और ऐसा ही होता है, हैंग वॉल्टर को क्वेश्चनिंग के लिए बुला लेता है और इसके बाद उसे जेल में डाल देता है। ये चर्च ओनर हैंग से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि वॉल्टर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, जो भी लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं, ये सब उसके गुणगान गाने लग जाते हैं, वो लोगों से कुछ भी करवा सकता है। ये जो चर्च ओनर है, ये भी इससे इंटिमिडेटेड होता है। हैंग उसे बोलता है कि जल्द से जल्द इस प्रिजन में ही मैं उसे मरवा दूंगा। अब हमें दिखता है कि वॉल्टर को एक आदमी मारने के लिए आता है, उस पर चाकू चलाता है, पर वॉल्टर चू भी नहीं करता। बहुत सारे लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी इसे मार नहीं पाता। जब हैंग इसे पूछता है कि क्यों ये काम ये नहीं कर पा रहे, तो ये सब कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। वो भी अब वॉल्टर से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं। वॉल्टर को मारना इन्हें पाप लग रहा है। अब हैंग छिट जाता है और वॉल्टर को इंटरोगेशन के लिए बुलाता है। वो कहता है कि तुम लोगों को भड़का रहे हो, ये तुम कैसे कर लेते हो। वॉल्टर कहता है कि ये सब रियलाइजेशन उन्हें खुद से होती है। हैंग उस पर बहुत ही चिढ़ गया होता है। वॉल्टर हैंग को कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो। हैंग कहता है, ये तुम्हारी कठपुतली नहीं हो, जो तुम जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। वॉल्टर फिर भी उसका जो काम होता है ये हैंग को बता देता है। हैंग भी इससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है और ये काम वो करने वाला होता है। एक लड़की थी जिसका कुछ लोगों ने रेप कर दिया था, इसके बाद इस लड़की को ही गाँव के बाहर रहना पड़ रहा था। वॉल्टर ने हैंग को यह सब बता दिया है और हैंग को अब इन्हें पनिश करना है। इस लड़की के पास जो बाइबल होती है, इसे इन सब लोगों के पता नाम पता चल जाता है। हैंग फिर इन सब लोगों को बहुत ही पनिश करता है। वॉल्टर की पनिशमेंट में एक जस्टिस हैंग को दिखाई देता है। हैंग अब इम्प्रेस्ड हो चुका है। हैंग को भी इसने इन्फ्लुएंस कर दिया था और इसने रियलाइज भी नहीं किया था। अब हमें दिखता है कि हैंग वॉल्टर से मिलने के लिए आता है। हैंग वॉल्टर से कहता है कि मैं पावर से लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ, उनकी मर्जी नहीं होती, फिर जबरदस्ती में उनसे काम करवाता हूँ, पर तुम्हारा वैसा नहीं है। तुम लोगों को जीत सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो सब तुम पा सकते हो। जैसा हमने देखा है कि हैंग एक करप्ट ऑफिसर है, इसे लैंड एटना वगैरह सब कुछ बहुत ही पसंद है। अगर ये वॉल्टर के साथ काम करेगा तो वॉल्टर लोगों को हैंडल करेगा और हैंग सब कुछ जमीन वगैरह ले लेगा। हैंग को जब वॉल्टर को अपनी टीम में शामिल करना होता है, तो हैंग उसे कहता है, तुम लोगों को बदल सकते हो। अगर सच में तुम्हें चेंज लाना है तो तुम कैदियों को लो और उन्हें बदल सकते हो। इनका प्लान होता है कि कुछ बुरे कैदी को लेंगे और उनके साथ एक जगह पर रहेंगे, उन्हें सेल्वेशन का यानी कि मोक्ष का रास्ता वो दिखाएंगे। अब ये सीन यही खत्म हो जाता है और बहुत सारे साल अब गुजर चुके हैं। ये में दिखता है हैंग अपने आदमियों के साथ वॉल्टर के आ जाता है, पर वॉल्टर अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो मर चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जॉन को देखते हैं। जॉन को डिवोर्स हो चुका है और उसकी नौकरी भी चली गई है। जॉन के ऊपर एक केस लगी थी, उसका जो प्रोसिक्यूटर था उसका नाम था माइक। माइक ने जबरदस्ती चार्जेस उस पर लगाए थे, उसे सिर्फ एक केस निपटाना था। जॉन जब माइक से बात करने गया तो माइक ने जो सब बोला उसका सब रिकॉर्ड जॉन ने कर लिया। यह रिकॉर्ड माइक के सुपीरियर को जॉन देकर चला गया, इसी वजह से माइक की अब बदली हो चुकी है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बहुत ही हेट करते हैं। जॉन की वाइफ उसे छोड़कर चली गई है और उसका जॉब नहीं है, तो माइक उसे चिढ़ाता है और जॉन माइक को चिढ़ाता है कि गांव में तुम्हारी बदली हो चुकी है। ये कॉल यही खत्म हो जाता है। अब हमें दिखता है कि जॉन जो है ये एक्चुअल में वॉल्टर का बेटा है। वॉल्टर मर चुका है तो इस गाँव में वो आ जाता है। वो आकर अब हैंग को मिलता है। इस गाँव में वॉल्टर और हैंग रहते थे। इस गाँव का हैंग अब चीफ बन चुका है, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। जॉन अपने फादर की डेड बॉडी देखता है और फिर खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। अब वो हैंग के साथ खाना खा रहा होता है। हैंग के साथ और तीन लोग होते हैं, ये वही कैदी है जिनको सुधारने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सब भी मिडल एज्ड हो चुके हैं। जब ये सब खाना वगैरह खा रहे थे तो वॉल्टर मर चुका है, तो वहां पुलिस ऑफिसर आए हुए होते हैं। वॉल्टर की डेथ के बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाले, ये बूढ़ा हो चुका था तो इसी वजह से मरा है, ये वो जॉन को कहते हैं। जॉन बोलता है कि तुम्हें ऑटोपसी वगैरह ये सब चीजें करनी चाहिए, पर ये मना कर रहे होते हैं। हैंग को लगता है कि जॉन इसे जाने नहीं देने वाला, तो हैंग इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए ऑफिसर को कहता है कि तुम सब अब चेकअप कर लो, डॉक्टर को कल बुलवाया जाता है। डॉक्टर सब छानबीन करता है तो कंक्लूजन देता है कि एक नेचुरल डेथ थी। हैंग अब जॉन से बातें करता है। वो कहता है कि तुम इस सब चीजें कर हम सब लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस करा रहे हो,
यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। जॉन को अभी भी लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अब वो कुछ दिन इस गांव में रुकना चाहता है। हैंक के अंडर एक कैदी था जिसका नाम है भोला, तो भोला ये न्यूज आकर हैंक को कहता है। इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है पर फिर भी हैंक इसके लिए प्लेस दे देता है। ये भोला जॉन को कहता है कि तुम यहाँ अब रुकने वाले हो पर फिर भी तुम इस गांव को डिस्टर्ब कर सकते हो, इस गांव में कोई भी चेंजेस हुए तो इस गांव को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जॉन को कुछ ये समझ में नहीं आता। जॉन एक स्टोर में रह रहा होता है, वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जेन। ये इस स्टोर को संभालती है और इस स्टोर के पीछे ही जॉन रह रहा होता है। रात में जॉन देखता है कि जो सब प्रिजनर्स थे ये इस लड़की के पास आते हैं। अब इसे पता चलता है ये सब रात में चलता है, इसी वजह से भोला उसे कह रहा था कि कोई भी चेंजेस गांव में हुए तो उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। जॉन घर की मरम्मत करने के लिए कुछ सामान लेता है, इंटरनेट कैफे पर जाता है। ये सब जब चीजें हो रही होती है ये सब हैंक को पता चलती रहती है। अब जॉन ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है तो हैंक उसे रात में डिनर के लिए बुलाता है। उसे वो कहता है कि जाने से पहले ये तुम्हारा अच्छा सा डिनर है। जॉन कहता है पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। ये सब इस पर बहुत ही चिढ़ जाते हैं। ये सब उसे समझा रहे होते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, सिटी का लाइफ और गांव का लाइफ अलग अलग है, तुम यहाँ क्या करोगे, तुम कैसे रहोगे। जॉन कहता है कि फादर की लैंड है, वहां मैं खेती कर सकता हूँ। उसका डिसीजन पक्का होता है, उससे कोई भी चेंज नहीं कर पा रहा। तो हैंक कहता है कि ठीक है तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकते हो। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि जॉन माइक को कॉल करता है। माइक प्रोसिक्यूटर ही है। जॉन उसे कहता है कि मेरे फादर मर चुके हैं, उनके नाम पर बहुत सारी लैंड थी पर अब वो सब ट्रांसफर हो चुकी है। ये सब हैंक के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी होती है। जॉन को जो सब लग रहा है ये वो माइक को कहता है। इन दोनों में दुश्मनी होती है पर फिर भी माइक प्रोसिक्यूटर है तो इसके बारे में कुछ कर सकता है। जॉन जब माइक से बात कर रहा होता है तब हमें दिखता है कि हैंक का एक आदमी उसके घर के नीचे आ जाता है। उसके बेसमेंट से कुछ चीजें निकाल कर वो ले जा रहा होता है। जॉन जब देखने के लिए जाता है तब उसे कुछ भी नहीं मिलता। बेसमेंट से सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर हैंक आदमी वहां से निकल जाता है। अब जॉन की प्रॉब्लम यह है कि जॉन को पता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है पर उसके पास सबूत वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके घर में कोई आ सकता है इसीलिए एक मोशन सेंसर लाइट्स वो लगाता है। इसके बाद वो कुछ ट्रिक करने के लिए हैंक के पास आता है। जॉन हैंक से कहता है मेरे फादर के डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, उस डॉक्यूमेंट्स में अगर उन पर कुछ डेबिट वगैरह हो तो मैं चुकती कर सकता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को लेकर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स मुझे उनके घर में मिले थे। हमें पता है कि हैंक का आदमी ही वॉल्डर के घर पर डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गया था। अब जॉन ने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स अभी भी पाया है तो हैंक अब चिंतित हो जाता है। यह सब जॉन का प्लान होता है। हैंक का आदमी रात में उस घर में आ जाता है। जॉन जगा ही हुआ होता है और उसे स्पॉट कर लेता है। जॉन अब अच्छी से बेसमेंट की तलाश लेता है। इस बेसमेंट में उसे एक अंडरग्राउंड टनल मिलता है। इस टनल से वो आगे जाता है तो हैंक के एक आदमी का घर पर वो पहुंच जाता है। यहाँ पर हैंक और उसका आदमी ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। हैंक का आदमी हैंक को जॉन सब कुछ जो विलेज में कर रहा है इस सब की रिपोर्ट दे रहा होता है। यह सब जॉन सुन लेता है। जॉन अब फिर से बेसमेंट में आ जाता है। वहां आने के बाद उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। इसमें उन कैदियों की गवाही होती है जो अब हैंक के साथ रह रहे हैं। इसमें से एक जो होता है उसने सात लोगों को जिंदा जला दिया होता है पर इसमें एक आदमी ने मर्डर किया होता है। हैंक ने इन दोनों को डील दी थी। ये सब अब जाकर विलेज में रहने वाले हैं। वॉल्टर को हैंक के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हैंक जैसा कह रहा है ये सब करने के लिए वॉल्टर रेडी था। अब हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है और माइक अब सब इन्वेस्टिगेशन हैंक की कर रहा है। अब इसे पता चलता है कि हैंक के नाम पर 23 मिलियंस की लैंड है। ये जो लैंड थी ये सब वॉल्टर ने हैंक के नाम पर की थी। अब माइक को भी सस्पिशियस आता है और अच्छे से अब वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लग जाता है। अब नेक्स्ट दिन आता है, जॉन को टनल मिला है तो टनल जिस रूम में जाता है उस रूम में वो पहुंच जाता है। यह हैंक के आदमी का रूम होता है। यहाँ उसे कुछ पेपर वर्क मिल सके, कुछ एविडेंस मिल सके इसके लिए वो ढूंढ रहा होता है। तभी वहां हैंक का आदमी आ जाता है। इसके पास आता है और इसके कंधे पर सर रखता है। यह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे फादर को हमने मारा है, अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। जॉन यहाँ से जा नहीं रहा होता तो एक की लेता है और वो जॉन के पेट में डाल देता है। जॉन बहुत इंजोर्ड हो जाता है। इसे मारने के लिए और एक बार एक कील उसके पेट में घुसाता है। जॉन नीचे गिर जाता है। हैंक का आदमी एक एक्स लेता है, उसे वो मारने वाला होता है। तभी जॉन वहां से भागने लग जाता है। ये भागते भागते जंगल में आ जाता है। जंगल में एक डीप वैली होती है। इस वैली के पास ये दोनों आ जाते हैं। अब जॉन के पास कहीं भी जाने का कोई भी वे नहीं है। अब हैंक का आदमी उसके पास आता है, उसे मारने वाला होता है तो जॉन उससे फाइट करता है और इस वैली में हैंक का आदमी गिर जाता है और मर जाता है। हैंक भोला के साथ होता है और उसके आदमियों को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते जंगल में आता है और उसे उसके आदमी की बॉडी मिल जाती है। जॉन को जख्म हुई थी वो हाइड कर देता है। हैंक को बॉडी मिली है उसके पास वो आ जाता है।
जॉन कहता है कि मैं घूम रहा था और मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। हैंक को शक जाता है ये माइक ने हैक किया होगा। जॉन डायरेक्टली हैंक के आदमी के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर उसका ब्लड वगैरह पड़ा हुआ है, ये सब वो क्लीन करता है। हैंक भी यहाँ पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो जॉन को स्पॉट कर सके, जॉन टनल में घुस जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जॉन माइक को कॉल लगाता है। उसे जो सब हुआ है इसके बारे में उसे कहता है। उसे पूछ रहा होता है क्या तुम हैंक की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। माइक कहता है कि मैं तुमसे क्यों ऑर्डर लूं, तूने मेरा पूरा करियर खत्म कर दिया है। जॉन फिर डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि अब मैंने एक मर्डर किया है, मैं अपने आप को अब पुलिस के हवाले कर दूंगा। माइक बोलता है कि ऐसा मत करो, मैं हैंक पर इन्वेस्टिगेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है और अगर तुम्हें कोई पकड़ना चाहता है तो वो मैं ही हूँ। एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। जॉन और माइक एक दूसरे को हेट करते हैं फिर भी एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। जिस तरह से फ्रेंड्स होते हैं इसी तरह से इनकी रिलेशनशिप होती है। अब हम देखते हैं कि हैंक के आदमी का फ्यूनरल चल रहा होता है। यहाँ पर और एक कैदी होता है जिसका नाम होता है हिटमैन। ये भी हैंक के लिए काम करता है। हिटमैन कहता है कि मुझे पता है कि जॉन ने किया है, वो जॉन को मारना चाहता है। हैंक कहता है कि तुम उसे जाने दो, मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहता हूँ। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो पीछे से जॉन भी आता है। हैंक वहां से चला जाता है और हिटमैन और जॉन एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। हिटमैन कहता है तुम्हारे फादर के बारे में तुम्हें कुछ पता करना है, जो भी तुम्हें पता करना है वो सब कुछ मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुम रात में मेरे घर में आ जाओ। उससे कहता है कि सब कुछ पता करने के बाद तुम्हें इस गांव से निकल जाना पड़ेगा। हिटमैन को जॉन को जल्दी से जल्दी इस गांव से बाहर निकालना होता है। हमें पता है कि हैंक को जॉन के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हैंक और माइक एक दूसरे की एनिमी है ये भी उसे पता है और वो माइक से मिलने के लिए आता है। हैंक जो है ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, सब पॉलिटिशियंस वगैरह ये सब इसकी मुट्ठी में होते हैं। अगर वो चाहे तो माइक को फिर से वो प्रमोशन दिला सकता है। वो माइक के पास आकर जॉन को किसी भी चीज में अंदर डालने के लिए बोल रहा होता है। माइक कहता है कि वो मेरा शिकार है, उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, उसे अगर कुछ करना होगा तो मैं ही करूंगा। माइक अब जॉन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। रात में हम देखते हैं कि जॉन जब हिटमैन से मिलने के लिए आता है तो हिटमैन और ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। हिटमैन जॉन को बहुत मारता है और उसे एक पोल से बंधा देता है। हिटमैन उसे मारने के लिए कुछ टूल्स लेने के लिए जाता है। जॉन के पास एक लाइटर होता है, ये लाइटर वो घास में डाल देता है। जिस हाउस से वो बंधा हुआ है ये लकड़ी का बना हुआ है, आग लगने से यह सब हाउस जलने लग जाता है। जब हिटमैन घर के पास आता है तो घर में उसकी सब कुछ चीजें होती है, उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यह सब लेने के लिए वो अंदर जाता है। जब ये अंदर जाता है तो जॉन को हेल्प करने के लिए जेन वहां आ जाती है, उसे वो पोल से छुड़वाती है और जब हिटमैन अंदर होता है तो उस पर सब लकड़ियां वगैरह गिर जाती है, वो जलकर वही मर जाता है। जब हैंक इस सब को देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। जेन जॉन को लेकर अब गांव से बाहर जा रही होती है। जेन कहीं दिख नहीं रही तो हैंक जेन को कॉल करता है। जेन सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके साथ जॉन है। हैंक उसे जल्दी से घर आने के लिए कहता है। जब जेन घर पर आती है हैंक उसे जोर से स्लैप करता है। उसे लगता है कि ये जॉन से अट्रैक्टेड है। जॉन इंजर्ड था इसलिए वो सिटी के हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में विलेज का ऑफिसर जो हैंक के लिए काम करता है वो अब जॉन को लेने के लिए आता है। जॉन को वो फिर से विलेज में लेकर जाने वाला है और उसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जॉन अब माइक को कॉल लगा देता है। वो माइक को एज अ लॉयर प्रिटेंड करने के लिए कहता है। माइक भी प्रिटेंड करता है और उस पुलिस ऑफिसर को वहीं रुकने के लिए कहता है। माइक फिर थोड़े समय बाद वहां आ जाता है और जॉन को बचा लेता है। माइक के पास हैंक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है। माइक अभी भी ये जो पूरी सिचुएशन है इसे समझ नहीं पा रहा, इसीलिए अब वो जॉन के साथ विलेज में आ जाता है। विलेज में आने के बाद हैंक इससे बात करता है। वो उसकी मदर कहाँ रहती है इसके बारे में उसे कहता है। हैंक माइक को सलाह देता है, तुम्हारी मदर का जो फ्लैट है ये तुम जल्दी से बेच दो वरना वहां सेमेटरी आने वाली है। इसे धमकी दे रहा होता है या उसने हैंक का माना नहीं तो उसकी मदर को मार डालेगा। माइक कहता है तुमसे डरता नहीं और ये वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन के घर पर माइक होता है, ये सब सिचुएशन फिगर आउट कर रहा होता है। तभी हैंक का आदमी जो भोला है ये वहां मिलने के लिए आता है। इसके सब फ्रेंड्स मर चुके हैं, इसे डर लग रहा होता है कि जॉन इसे भी मार देगा। ये सब कन्फेशन करने लग जाता है। ये कहता है कि हैंक मुझे जो सब बताता था वही मैं करता था। ये बताने बताने में कह जाता है कि हैंक जो है ये सब पॉलिटिशियन को पैसे देता है, लोगों से जबरदस्ती वो लैंड बाय कर लेता है, उन्हें पूरे पैसे भी ये नहीं देता। ये जो सब कैदी है जो हैंक के साथ रह रहे हैं ये वही काम करते हैं, लोगों को जाकर डराना धमकाना और उनकी सब लैंड ले लेना, हैंक पकड़ा ना जाए इसलिए सब पॉलिटिशियंस को पैसे देकर आता है। माइक का पुलिस कमिश्नर है इसे भी वो पैसे देता है। अब हम देखते हैं कि भोला जब इनसे बात कर रहा होता है तो हैंक टनल में होता है, सब बातें इनकी सुन रहा होता है। नेक्स्ट डे हैंक भोले को बुलाता है, उसे कहता है कि तुम मेरी सब कुछ सुनते थे,
मैं जो सब तुमसे कहता था वो बिना क्वेश्चन के तुम करते थे। मैं कभी कभी तुम्हें मारता था, पर तुम्हारा इनोसेंस प्रिजर्व करने के लिए ही मैं करता था। हैंक और भोला ये दोनों एक ऊंची जगह पर होते हैं, तो हैंक वहां से उसे गिरा देता है। दूसरे दिन जॉन जब ये डेड बॉडी देखता है तो माइक को कॉल लगाता है। वो कहता है कि अब वो बदला लेने वाला है, अब सिर्फ आग के बदले आग ही होगा। माइक उसे समझा रहा होता है पर ये समझता नहीं। जॉन गुस्से में अब हैंक के पास आ जाता है। हैंक खाना खा रहा होता है। हैंक उससे कहता है तुम्हें मेरी स्टोरी जाननी है, उसे बैठने के लिए बोलता है। अब हमें फ्लैशबैक में हैंक वॉल्टर और जो कैदी है जो विलेज में आ गए थे तब क्या हुआ था ये दिखाया जाता है। जब ये सब यहाँ आ गए तो वॉल्टर इन्फ्लुएंशियल था ही, तो वॉल्टर के इन्फ्लुएंस में इस गांव के सब लोग आ गए। वॉल्टर की वजह से हैंक और सब आदमियों को सब वेज ही खाना पड़ता था। हैंक को पसंद नहीं आता था। हैंक उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ भी खाकर आता था। वॉल्टर ने जब इसे बात करनी चाहिए तो हैंक बोला कि जो सब लोगों के साथ हम रह रहे हैं ये सब डेविल है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, हमें इन्हें खुश रखना पड़ेगा। वॉल्टर को लगता है कि इन आदमियों को अभी भी वो चेंज कर सकता है। वो एक कैदी के पास जाता है, उसे कहता है कि किस तरह के आदमी तुम बनना चाहते हो। ये कैदी इस चीज को समझता नहीं और जिस तरह से है उसी तरह से वो रहना चाहता है, यानी कि वॉल्टर अब किसी को भी बदल नहीं पाएगा। इसके बाद हैंग लोगों के पास जाता है, उनकी जो सब जमीनें होती है ये जबरदस्ती वो ले लेता है या जो सब इलीगल चीजें वो करता है। तो वॉल्टर का काम होता है कि लोगों को शांत रख पाए, और वॉल्टर ये सही से कर भी रहा होता है। जब हैंग जबरदस्ती से लैंड ले रहा होता है तो वॉल्टर ये देख लेता है। वॉल्टर अब इसे कुछ भी बोलता नहीं, पर रात में वो हैंग को मारने के लिए आता है। हैंग सावधान हो जाता है। सब कैदी ये देख लेते हैं कि वॉल्टर का कहते हैं कि तुम हमसे कुछ भी डिफरेंट नहीं हो। अब यही उनको जो स्टोरी बता रहा होता है ये स्टॉप कर देता है। उसे बोलता है कि जो सब तुम्हारे फादर के साथ हुआ था ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, पर अब मैं टायर्ड हूँ, तुम कल आना। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक जोसफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। इस इन्वेस्टिगेशन में उसे बहुत सारे ट्रबल आता है। हैंग के ऊपर जो सब फाइल से इनको जब वो एक्सेस कर रहा था तो इसका उसे एक्सेस नहीं मिला। ऊपर से भी इसका प्रेशर बढ़ रहा है। ये केस उसे छोड़ने के लिए सब उसे प्रेशराइज कर रहे हैं। माइक ये केस छोड़ सकता है, पर तभी उसे मिलने के लिए जेन आती है। जेन आकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें चर्च के बारे में पता है, इस चर्च में इंसिडेंट हुआ था, यह हमें आगे पता चलेगा। जॉन जब घर पर होता है तो उसे भी मिलने जेन आती है, उसे और भी चीजों के बारे में कहती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वॉल्टर अपने सन यानी कि जॉन को कॉल करता है। जॉन उसे कुछ भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि जॉन को छोड़कर वॉल्टर चला गया था। जॉन को देखने के लिए भी कभी वॉल्टर नहीं गया था। जॉन और वॉल्टर में अच्छी एक रिलेशनशिप नहीं थी, पर फिर भी वॉल्टर उसके फादर थे। जो सब वो कर रहा था अपने फादर के लिए ही कर रहा था। वॉल्टर ने जेन को हेल्प की थी। जेन का जिन लोगों ने रेप किया था इन सबको उसने पनिश किया था। जेन भी वॉल्टर के साथ ही आ चुकी थी और उसी गांव में रहती थी। एक रात जेन के पास हैंक आया। हैंक ने उसे बोला कि अब वो वॉल्टर को मारने वाला है। उसे पूछता है कि पूरा गांव मेरे साइड पर है, पर फिर भी तुम क्यों वॉल्टर के साइड पर हो। जेन कहती है कि उसने मुझे बचाया है। हैंक कहता है कि तुम्हें तो मैंने बचाया था। जेन बोलती है कि तुमने तो सिर्फ रिवेंज लिया था, एक्चुअल में मुझे तो वॉल्टर ने ही बचाया था। हैंक फिर जेन को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि वॉल्टर को मैं मार दूंगा पर तुम उसे बचा सकती हो। हैंक अब जेन से रिलेशनशिप रखने लग जाता है। हैंक के जो सब आदमी है वो भी रात में जेन के पास आते हैं। जॉन को भी ये सब सुनकर बुरा लगता है। रात में हम देखते हैं कि जॉन और जेन ये दोनों हैंक के पास आ जाते हैं। हैंक ने उन्हें बुलवाया था। अब जॉन को उसके फादर के साथ क्या हुआ है ये पता चल सकता है। जॉन के पास नाइफ होती है, पर हैंक के पास गन होती है। वो जॉन पर ये गन लगा रहा होता है तभी पुलिस ऑफिसर सब वहां आ जाते हैं। माइक पर प्रेशर होता है वहां नहीं जाए, पर फिर भी वहां पहुंच जाता है। माइक हैंक को कहता है कि तुम अंडर अरेस्ट हो, उसे लेकर जाना चाहता है, पर हैंक कहता है तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं है। माइक ने ऑलरेडी सब गांव पर छापा डाला होता है। जहां भी हैंक के सब डॉक्यूमेंट्स है यहां पर वो पहुंच गया होता है। हैंक के जहां डॉक्यूमेंट रखे हुए है वहां हैंक का पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है। तब केरोसिन वगैरह वहां डालता है और इसको आग लगा देता है। दूसरे पुलिस ऑफिसर इसे पकड़ लेते हैं, पर ये अपने आप को भी आग लगा लेता है। ये सब चीज जो हुई है ये माइक को पता चलती है। जो पुलिस ऑफिसर मरा था ये हैंक का ही बेटा था। हैंक ये देखकर हंसने लग जाता है। उसका बेटा मरा है इसका उसे कुछ भी गम नहीं होता। इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसकी खुशी उसे होती है। अब हैंक जॉन के फादर के साथ क्या हुआ था ये सब उसे बताने लग जाता है। वो जॉन को कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर इनोसेंट थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने चर्च में जो सब लोग थे इन सब को मार डाला था, उन्होंने उन्हें पॉइजन कर दिया था। तभी जेन बात करने लग जाती है। जेन कहती है कि जैसा हुआ था ऐसा तुम नहीं बता रहे हो।
रियलिटी कुछ अलग ही है। जेन फिर बोलती है कि हम चर्च में गए थे पर वहां से जल से हम निकल गए थे। हैंक जब हमें लेने के लिए आया तो हैंक के कान पर खून था। हैंक के पास एक पैसों से भरा हुआ बैग भी था। इसका मतलब है पैसों के लिए हैंक ने चर्च के सब लोगों को मार दिया था। वाल्टर को यह सब पता था पर वाल्टर कुछ भी कर नहीं पाया। जब वो हैंक को देखता था तो उसे गिल्टी महसूस होता था। अब जेन हैंक से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सब जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो सब इलीगल एक्टिविटी थी, ये सिर्फ उसी गोडाउन में थी। उसके पास और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हैंक को गिल्टी करार दिया जा सकता है। हैंक के पास अब और कोई भी चाल नहीं होती। वो सबको बाहर जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो रेडी होना चाहता है। इसके बाद सब बाहर चले जाते हैं और वो अपने आप को गोली मार लेता है। अब कुछ समय गुजर चुका है। जॉन अपने शहर में चला गया था और अपने फादर के गांव में वो फिर से आ रहा है। वो फिर माइक को कॉल करता है। माइक का भी अब प्रमोशन हो चुका होता है। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। माइक कहता है कि तुम भी अब ज्यादा ट्रबल में नहीं आए हो, तुम्हें भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहिए। इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती अब हो चुकी होती है। ये दोनों फिर से मिलने वाले होते हैं और डिनर करने वाले होते हैं। अब हमें दिखता है कि जॉन जब गांव में पहुंचता है, यहाँ हम देखते हैं कि जेन अब गांव की चीफ हो चुकी है। हैंक की जगह उसने ले ली है। अब जॉन को फोन कॉल याद आता है। उसके फादर मर चुके हैं तो इसका फोन कॉल जेन ने ही किया था। जेन ने उसे बताया है कि उसके फादर मरे थे, वो नेचुरल डेथ से मरे थे। एक्चुअल में जेन को ही हैंक से बदला लेना था, इसी वजह से उसने जॉन को कॉल किया था। उसे पता था कि जॉन को लगेगा उसके फादर की डेथ नहीं थी तो वो मर्डर था, इसी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और हैंक हर्ट हो ही जाएगा। जैसा उसका प्लान था ऐसा ही हुआ है। अब जेन इस गांव की चीफ बन चुकी है, उसे अच्छी सी पोजीशन भी मिल चुकी है और उसने रिवेंज भी ले लिया है। अगर हम इस मूवी में देखें तो वाल्टर एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वो सब चीजें अच्छे से करना चाहता था पर हैंक को हमेशा से लालच था। उसने वाल्टर को मैनिपुलेट किया और अपने काम के लिए उसे यूज कर लिया। वाल्टर कभी भी उसे बदला नहीं ले पाया। जेन का भी फायदा हैंक ने उठाया था। जेन अभी भी यंग थी, वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकती थी, इसलिए उसने सब कुछ प्लान किया। जेन के प्लान में जॉन मैनिपुलेट होता रहा और हैंक से उसने बदला ले लिया। हमने मूवी में देखा है कि वाल्टर को एक सेंस ऑफ जस्टिस था। कुछ भी गलत उसे पसंद नहीं था। उसी तरह से सेंस ऑफ जस्टिस जेन के पास है। वाल्टर जो सब चाहता था कि अच्छी तरीके से लोगों को गाइड किया जाए, अच्छी तरीके से वो एक जगह पर रह सके, यही सपना उसका अब जेन कंप्लीट कर रही है। यही मूवी एंड हो जाती है। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।